हेलो फ्रेंड, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्जन में स्वागत करता हूँ। यूट्यूब शॉर्ट, आपने ये नाम अभी तक नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके मुंह पर यही नाम होगा। दोस्तों, यूट्यूब को आप सब जानते ही हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वीडियो मार्केटिंग के लिए। इसके अंदर हम अपनी वीडियो को अपलोड करके व्यूज और सब्सक्राइबर गेन करते हैं और साथ में पैसे भी कमाते हैं। यूट्यूब के टक्कर का अभी तक कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं बना है दोस्तों, पर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि यूट्यूब को एक नया एप्लीकेशन लॉन्च करना है या फिर इसी के अंदर कोई नया फीचर ऐड करना है जिसका नाम होगा दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट। इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। टिकटॉक के बारे में तो दोस्तों आप सब जानते ही होंगे, अगर इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आपको सुनकर हैरानी होगी। पिछले 2 सालों में टिकटॉक के 100 मिलियन यूजर्स हैं, वो भी एक्टिव यूजर्स हैं दोस्तों। 2019 में टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन थी जो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई थी। टिकटॉक पर मोनिटाइजेशन इनेबल ना होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों ने इसको यूज किया है और यूज कर रहे हैं। कई सारी बातें हैं इस चीज़ को यूट्यूब ने भी ध्यान दिया है और इस चीज़ का यूट्यूब पर भी फर्क पड़ने लगा है दोस्तों। तो यूट्यूब ने भी डिसाइड किया है कि भाई अपनी खुद की एक ऐप लॉन्च करेगा, या हो सकता है कि जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी के अंदर एक वो फीचर को ऐड कर सकता है जिसका नाम होगा दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट। यूट्यूब शॉर्ट ये टिकटॉक की तरह ही एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर आप 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, ये तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा दोस्तों। अगर YouTube का ये फीचर आता है दोस्तों, तो मैं आपको विश्वास से बता सकता हूँ कि TikTok के काफ़ी सारे यूजर्स YouTube की तरफ मूव हो जाएंगे, क्योंकि TikTok के अंदर कोई भी मोनिटाइजेशन प्लेटफॉर्म नहीं है। और आप सब जानते हैं कि YouTube के अंदर मोनिटाइजेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपन पैसे कमाते हैं। आप सब जानते हैं कि YouTube के अंदर मोनिटाइजेशन इनेबल करने के लिए 4000 घंटे का बोझ है और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना होते हैं दोस्तों। क्या YouTube शॉर्ट के अंदर भी ऐसी कोई कंडीशन होगी, या वीडियो डालते ही आपकी वीडियो मोनिटाइजेशन हो जाएगी दोस्तों? ये तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि भाई YouTube शॉर्ट में डालते ही वीडियो अपनी मोनिटाइज होगी या कुछ कंडीशन रहेगी। जैसे TikTok में हम सब सॉन्ग, मूवी, डायलॉग वगैरह अपलोड कर देते हैं, कोई किसी प्रकार का अपन को कॉपीराइट नहीं आता किसी भी प्रकार का, क्या YouTube शॉर्ट के अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा जिससे हमें किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं आएगा? क्योंकि YouTube इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखेगा दोस्तों। TikTok में मूवी के डायलॉग होते हैं, सॉन्ग होते हैं, उसी की वजह से TikTok इतना ज़्यादा फेमस हो गया। हो सकता है YouTube शॉर्ट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिले और उसके अंदर आपको कोई कॉपीराइट भी ना मिले। दोस्तों, मैं खुद सोच रहा था कि TikTok के ऊपर अपना अकाउंट बनाकर वीडियो अपलोड करना शुरू करूँ, पर जैसे ही मुझे इस न्यूज़ का पता चला तो मैं खुद रुक गया, क्योंकि TikTok पर वीडियो बनाकर टाइम वेस्ट करने में कुछ नहीं रखा है और YouTube पर तो वीडियो को मोनेटाइजेशन करके पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप अब TikTok की जगह YouTube शॉर्ट को यूज करके और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी नई जानकारी मिली हो, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल टेक्निकल सर्जी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और इस वीडियो के बारे में कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करें दोस्तों, घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे हमें हिम्मत मिलती है और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए अंदर से एक हिम्मत जागरूक होती है कि आप बनाने से कर सकें दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।